हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे ही होंगे। तो हैलीफैक्स में अपार्टमेंट ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हमको बहुत आसानी से मिल गया था, नहीं तो 1-2 महीने लग जाते हैं यहाँ पे अपार्टमेंट ढूंढने में। और जो कुछ टिप्स है वो भी मैं बताऊंगी कि आप कैसे आसानी से यहाँ पे अपार्टमेंट ढूंढ सकते हैं, नहीं तो लोगों को 1-2 महीने लग जाते हैं, लेकिन हम लोग को लकली बहुत अच्छे से एक ही बार में मिल गया। तो चलते हैं, अपार्टमेंट टूर करवाती हूँ मैं अपना। ये एंट्रेंस है, तो ये है बिल्डिंग हमारी और ये सामने एंट्रेंस है। ये अपार्टमेंट कीलम का है। तो कीलम के अपार्टमेंट में मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि फैसिलिटी भी यहाँ बहुत सारी रहती है और रेंट भी रिजनेबल रहता है। रेंट आपको लास्ट में मैं बताऊँगी। एंट्रेंस में ऑटोमेटिक डोर है यहाँ पे। यहाँ पे की होल्ड करके रखने में डोर अपने आप खुल जाता है। और फ्रंट में ही देखेंगे कितना प्यारा सा अरेंजमेंट कर रखा है इन्होंने। ये जो एंट्रेंस है, अगर किसी को अपने अपार्टमेंट में नहीं ले जाना है, कुछ काम है उनसे, तो यहाँ पे बैठ के आराम से बात कर सकते हैं। यहाँ पे हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। और इस साइड राइट साइड में यहाँ पे मेल बॉक्स है, यहाँ पे सबके मेल कुरियर सब आते हैं। अब आगे चलते हैं लिफ्ट की तरफ। इस साइड पे लिफ्ट है और ये जो एरिया है ना, सच में बहुत ही प्यारा है। अपने घर टाइप की फीलिंग होती है यहाँ पे। ऐसा फील नहीं होता है कि हम किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, ये ऐसा लगता है कि ये खुद का घर है, ऐसा फील होता है। ये ऊपर से भी आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो। यहाँ पे क्रिसमस के समय इन लोग डेकोरेशन भी करके रख देते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो हमारे यहाँ पे 2 BHK अपार्टमेंट है, मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद यहाँ पे जो जो फैसिलिटी है वो सब दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे घर। तो ये कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर में भी नीचे पूरे कारपेट लगे हुए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अपार्टमेंट। आपको टूर कराती हूँ और लास्ट में मैं प्राइस बताऊंगी। ये हॉल है, इस साइड किचन है लेफ्ट साइड, और जॉय अभी गेम खेल रहा है। और ये है कबर्ड, घुसते ही यहाँ पे जूते और जैकेट रख सकते हैं। बाहर से कोई मेहमान भी आए ना, तो वो यहाँ पे जूते और जैकेट रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बालकनी दिखाती हूँ। तो बालकनी के बैक साइड पूरा घने पेड़ है, जहाँ चिड़िए की चहचाने की आवाज़ सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है। और बालकनी से हिरन भी देखने मिल जाते हैं, वो देखिए हिरन। जब भी आप रेंटल अपार्टमेंट लेते हैं ना, तो उसका प्राइस बालकनी के व्यू पे भी डिपेंड करता है कि आपका व्यू कौन सा आ रहा है। तो जंगल साइड का व्यू लेंगे तो प्राइस थोड़ा $100 आपको कम मिलेगा। अगर ओशन व्यू लेंगे तो $100 आपको ज़्यादा देना पड़ता है, अधिकतर ऐसा ही होता है। इस अपार्टमेंट का हॉल भी मुझे बहुत बड़ा और स्पेसियस लगा, नहीं तो अधिकतर हाई रेंट पे करने में ही इतना बड़ा हॉल मिलता है। किचन में ये जो स्टोरेज के लिए एरिया दिया गया है ना, ये डोर ओपन करके दिखाती हूँ मैं, ये बहुत ही स्पेसेस में भर के पूरे किचन का स्टॉक अच्छे से रख सकते हैं। मतलब किचन का एरिया बहुत बड़ा दिया, बहुत सारे कबर्ड्स दिए हैं। ओवन फ्रिज आपको सब तो मिलेगा ही, जब भी आप लेंगे रेंट पे तो फ्रिज आपको मिलेगा ही वहाँ पे। ओवन, माइक्रोवेव और डिश वॉशर, ये कंपलसरी है यहाँ के किचन में, आपको हर जगह देखने मिलेगा। ये नीचे ओवन है, इसके ऊपर इंडक्शन दिया है खाना बनाने के लिए टॉप में, और 4 बर्नर है इसमें। और बहुत सुनने में मिलता है, कनाडा में बाई नहीं मिलती, लेकिन ये डिश वॉशर है, ये देखिए सारे बर्तन इसमें धो सकते हैं। बाई नहीं तो क्या हुआ, बर्तन मानने के लिए डिश वॉशर तो है एटलीस्ट। तो वीडियो के लास्ट में ना मैं आपको प्राइस भी बताऊंगी। यहाँ पे हमको यहाँ पे 1 साल हो गया रहते हुए, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी अच्छी रहती है किचन के, सारे कबर्ड वबर्ड सारे अच्छे मिल जाते हैं, बिल्कुल नया टाइप करके देते हैं। अभी तो 1 साल हो गया है, नहीं तो जब हम लोग आए थे यहाँ पे तो पूरा नया टाइप ही लग रहा था, इतने अच्छे से इन लोग मेंटेन करके रखते हैं। ऐसा कबर्ड खोलने में फील होता है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और नया नया सा फील होता है। सफाई तो हमको अच्छे से करनी पड़ती है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो जितने भी रूम है, इस साइड से एंट्रेंस है, तो इधर हॉल हो गया और लेफ्ट साइड में वॉशर ड्रायर है। तो वो भी आपको यहाँ पे जब भी रेंट लोगे तो वॉशर ड्रायर या तो आपको घर के अंदर मिलेगा या फिर कॉरिडोर में कॉमन वाला मिलेगा। तो हमको घर के अंदर मिला है तो ये अच्छा लगा। तो जो वॉशिंग मशीन के नीचे का एरिया है कपड़े धोने के लिए, ऊपर ड्रायर है सुखाने के लिए। अब वॉशरूम ले चलती हूँ। तो 2 बाथरूम है यहाँ पे, एक यहाँ पे है,
और दूसरा यहाँ बाथरूम में, यहाँ पे इंडियन से अलग चीज़ ये है कि बाथटब आपको साथ में मिलेगा। यहाँ पे ना नीचे फ्लोर में पानी जाने के लिए कहीं जगह ही नहीं रहता, सिर्फ बाथटब में आप नहा सकते हैं, वहीं से पानी जाएगा, तो ये चीज़ अच्छा है, यहाँ पे गिरने का डर नहीं। तो ये रहा हमारा एक रूम। यहाँ के घर में वुडन फ्लोर या कारपेट लगा हुआ होता है, ये पूरा वुडन फ्लोर है और हीटर भी हर जगह, इवन बाथरूम में भी हीटर लगा होता है। तो ये ठंडे के हिसाब से बना हुआ रहता है, लकड़ी का घर होता है पूरा। ये ओशन दिख रहा है देखो, यहाँ पे शिप आते हैं रोज़ अलग अलग, तो ये व्यू भी अच्छा लगता है, रोज़ नए नए शिप आते हैं। और ये एक रूम दिख रहा है, ये बाथरूम है, और ये एक छोटा सा रूम जो दिख रहा है, ये बेडरूम से लगा हुआ क्लोज़ेट होता है जिसमें कपड़े रखते हैं। ये कपड़े रखने के लिए स्पेशली रूम होता है जिसमें आप कपड़े जमा कर रख सकते हैं। अभी सामान पूरा जमा नहीं है, शिफ्टिंग चल रहा है, तो खाली खाली सा लग रहा है। ये दूसरा बेडरूम है, ये थोड़ा उस बेडरूम से छोटा है, लेकिन यहाँ पे कवर्ड तरीके से सेल्फ वाले हैं, या कपड़े अच्छे से जमा के रख सकते हैं। और इधर ये जो खाली खाली बड़ा एरिया दिख रहा है ना, ये हैंगर के लिए होता है, तो इसमें आप हैंगर लगा के बहुत सारे कपड़े रख सकते हैं। लेकिन अभी पूरा खाली खाली सा लगेगा क्योंकि हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी जगह। चलिए मैं आपको यहाँ का जिम दिखाती हूँ। अपार्टमेंट में हमारे जो जिम है, ये है सेकंड फ्लोर पर जिम है, तो मैं नीचे से ले जा रही हूँ। और ये टू फ्लोर का जिम है, डुप्लेक्स है, तो बहुत ही बड़ा जिम दिया। ये जो सामने ग्लास वाला रूम दिख रहा है ना, ये रूम बहुत ही अच्छा लगा। डांस वांस आप कर सकते हैं यहाँ पे, किसी की क्लास भी ले सकते हैं डांस की, या खुद भी डांस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा हॉल दिया हुआ है। यहाँ पे मुझे कुछ लोग बॉक्सिंग की क्लास लेते हुए दिखे थे, तो कुछ लोग यहाँ क्लास भी लेते हैं, अपना टाइम सेट करके आते हैं यहाँ पे और अपनी क्लास लेते हैं। ये जिम अधिकतर खाली मिल जाता है, मॉर्निंग के समय 5-6 बजे बहुत भीड़ रहती है, 7 बजे तक, बाकी टाइम पूरा खाली ही दिखता है, शाम को भी ज़्यादा लोग नहीं रहते। तो मूवी थिएटर चलते हैं, मीडिया थिएटर है जहाँ आप अपनी मनपसंद की मूवी लगा सकते हैं। तो ये रहा मूवी थिएटर, जहाँ आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री रहेगा। अपने फ्रेंड्स को भी बुला के उनके साथ देख सकते हैं, 10-15 आराम से आ जाते हैं इसमें। जिस दिन भी मूवी लगानी है ना, एक दिन पहले अगर बोल देंगे तो ये आपके लिए बुक हो जाएगा, फिर आपको कोई आके डिस्टर्ब नहीं करेगा, आराम से आप बैठ के मूवी देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन भी बड़ा दिया हुआ है, कम से कम 10-15 लोग बैठ सकते हैं। अब मैं ले चलती हूँ आपको पार्टी हॉल में, जहाँ पर आप कोई भी पार्टी कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी हो। ये जो कॉमन रूम है, ये की से ही खुलेगा आपके। तो ये रहा पार्टी हॉल, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है मैं आपको बताती हूँ। टेबल चेयर लगे हैं, साथ में यहाँ पे आपको किचन भी मिलेगा। जी हाँ, किचन इसलिए क्योंकि आप पार्टी कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ गर्म करना है या फ्रिज में आइसक्रीम रखना है, तो यहाँ पे फ्रिज भी है और किचन भी है और डिश वॉशर भी है, माइक्रोवेव भी है गर्म करने के लिए, कॉफ़ी मेकर भी दिया हुआ है, और कुछ कुछ चीज़ें जो पार्टी में लगती है, चम्मच हो गए और पिज़्ज़ा कटर हो गया, ये सारे टूल्स यहाँ पे रखे हुए हैं आपके लिए। समर के टाइम में इस हॉल से लगा हुआ ये एरिया खुला ओपन स्पेस बारबेक्यू के लिए है। पार्टी के लिए ये हॉल ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने अपने बेटू का बर्थडे पार्टी यहीं पे किया था और सबको बहुत मज़ा आया था यहाँ पे। आपको कनाडा में पता है स्नो बहुत होता है, तो फिर कार अगर बाहर रखो तो पूरा स्नो से भर जाता है वो, फिर इसे साफ़ करने में आधा टाइम चले जाते हैं, तो इंडोर है तो अच्छा है। और कचरा भी फेंकने के लिए ये इंडोर दिया, नहीं तो बाहर जाना पड़ता है, ये भी अच्छा है कि बाहर नहीं जाना पड़ेगा स्नो में। हैलिफैक्स में घर ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, तो हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो लोगों को देख रहे थे कि 30-40 अपार्टमेंट उन लोग देख चुके हैं, फिर भी उनको रेंट पे घर नहीं मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा फाइटिंग है यहाँ पे घर ढूंढने के लिए। लेकिन मैं कुछ आसान टिप्स देती हूँ, जैसे हम लोग ने जो अप्लाई किया था, हमें बहुत आसानी से घर मिल गया। तो कनाडा में जब भी कोई नए नए शिफ्ट होते हैं, तो एक बहुत अच्छा वेबसाइट है kijiji.ca, जिसमें आपको आसानी से अप्लाई करेंगे उसकी वेबसाइट में जाकर। तो जहाँ पे भी आपको रेंटल में हाउस चाहिए, उस लोकेशन पे आप सर्च करके डालो, आपकी यूनिवर्सिटी के पास हो, आपके ऑफिस के पास हो, ऐसी जगह पे आप उसमें लोकेशन सेट कर सकते हैं, उसमें आप ईमेल करो या कॉल करो, वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा अवेलेबल होने में। और सेकंड है, दो बड़े बड़े रियल इस्टेट हैं यहाँ पे, जिनके अपार्टमेंट आपको मिल जाएंगे, उनके भी दोनों के वेबसाइट दिए हुए हैं। पहला है कैपिटल
और सेकंड है कीलम अपार्टमेंट। तो कीलम अपार्टमेंट के थ्रू ही हम यहाँ पे आए थे। तो जनरली मेल करो तो रिस्पांस मिलता है, उसके बाद हमको डील करने जाना पड़ता है, मैनेजर से बात करने। तो फर्स्ट ऐसा अपार्टमेंट था कनाडा में। जैसे ही हम लोग आए, 2 दिन होटल में रुकने के बाद हम लोग अपार्टमेंट ढूंढने गए, तो फर्स्ट मीटिंग में ही हमारा सब सेट हो गया। तो रीज़न हमको ये लगा कि हमारा US का जो रेंटल हिस्ट्री है, इन लोग हिस्ट्री बहुत चेक करते हैं कि ये जो सामने वाला पर्सन आ रहा है वो सही है कि नहीं। तो इन लोग को रेंटल हिस्ट्री मिल गया US का, तो उसके कारण उन लोग ने जल्दी अप्रूव किया, क्योंकि हमारे और भी फ्रेंड हैं, उन्होंने अप्लाई किया था, मैनेजर से बात किया था, लेकिन उनको नहीं मिला। हमको एक बार में ही अपॉइंटमेंट मिला और 1 महीने का वेटिंग था उसमें। तो फर्स्ट बार में ही हमारी डील पक्की हो गई, तो हमको बहुत जल्दी अपार्टमेंट मिला। मतलब 3-4 जगह ऐसे कहीं भी ढूंढने नहीं जाना पड़ा, पहली बार में ही अच्छा अपार्टमेंट मिल गया था हमें। और एक आइडिया है आपको, अगर कोई भी आपके पहचान के, अगर आप होटल में रुके, कोई भी इंडियन मिलते हैं, कोई भी पहचान के आपके मिलते हैं, अगर वो जिस अपार्टमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे जगह खाली है, तो वो अगर आपका रेफरेंस देंगे, आपके लिए रेफरेंस देंगे कि हमारे कोई फ्रेंड आ रहे हैं या फैमिली आ रही है, तो रेफरेंस से कि आप उनको भी अपार्टमेंट दे दीजिए, तो जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं। तो जैसे ही आप कनाडा में आएंगे, तो जितनी ज़्यादा फ्रेंडशिप करें, जितने इंडियन मिले उनसे बात करें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा अपार्टमेंट ढूंढने में। और वेबसाइट में मेल करने के बाद जहाँ से भी रिस्पांस आता है, वहाँ आपको मैनेजर से अच्छे से डील करना होगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैनेजर पे पूरा डिपेंड करता है कि वो आपको देना है कि नहीं देना है। कई बार घर खाली होने में भी मैनेजर के ऊपर रहता है कि वो आपको देगा कि नहीं, तो उनसे डील करें, अच्छे से डील करें। जब भी हम नए नए शिफ्ट हो रहे हैं, तो रेंट में जो भी घर है वो पूरे अच्छे तरीके से चेक करिए कि कहीं पे भी टूटा फूटा तो नहीं है, तुरंत मैनेजर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। नहीं तो क्या है, अगर आप 1 हफ्ते में नहीं बताएं, तो वो चार्जेस आपको, जब भी आप घर छोड़ेंगे तो वो चार्जेस पूरे आपको लग जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे। तो इसलिए जो भी टूटा फूटा कुछ भी आपको दिखता है, तुरंत इन्फॉर्म करिए, वो नोट कर लेंगे। तो इस अपार्टमेंट का रेंट है $1,850 कैनेडियन डॉलर, मीन्स इंडियन रुपीस में 1,12,000 के आसपास। अगर मेरी ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी आपको, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।